कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज मैं आई हूँ एक न्यू प्लेस पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक जगह है। ये है दुबई में लव लेक। लव लेक पूरा डेजर्ट के ऊपर बनाया गया है। ये पूरा मैनमेड एक पार्क है। यहाँ पे लेक है, बहुत सारे ट्रीज़ है, तो ये बहुत ही खूबसूरत एक पार्क लव के शेप पे बनाया गया है, इसलिए इसका नाम है लव लेक। तो ये पूरा लव लेक कैसा दिखता है, कैसा है, तो मैं आपसे शेयर करूंगी दोस्तों। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि डेजर्ट के ऊपर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना अच्छा एक पार्क बनाया जा सकता है। तो मैं अभी एक शेड के नीचे बैठी हूँ जो भी मैनमेड है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो पूरा ब्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी और रिक्वेस्ट है कि पूरा ब्लॉग देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं लव लेक पार्क इन दुबई। एंट्रेंस ऑफ लव लेक। You love the love lake? Where is the gate? Is it there? Look. Hello. Yeah. There's a small tiny bit waterfall. Wait. Yeah, it's a heart shape. It's a heart shape. Let's go inside and find out what is there. Okay, mama. Oh, there is one more. Not that is not gate. That one the park. Look, it is a lovely sign, no? Woodcuts, look. Yeah. Now we going to see the lovely sign. That's so cool. Okay. It's okay. What's up? Behind me? Oh, that's it. Exactly where we are in. Okay. Oh, look at the face. Look at the trees. No, that big tree. Look, just come here. Thank you.
तो मैं जिस शेड के नीचे बैठी थी वो शेड्स मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इस शेड्स के नीचे मैं बैठी थी, यहाँ पे बैठने का एक जगह बनाया गया है। लास्ट ईयर पे भी मैं रामादान के टाइम पे, जो कि मई जून मंथ पे होता है, उस टाइम पे भी मैं आई थी, लेकिन ये इतना डेवलप नहीं था तब। अभी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुआ है इस जगह पे। एंड लुक एट द लेक, ये पूरा लब के शेप पे लेक है, जो कि ओनली ऊपर से ही आपको समझ में आएगा इसका शेप, नीचे में तो ऐसे समझ में नहीं आएगा लब का शेप। टू लब का शेप कंबाइन करके ये लेक बनाया गया है। और फिश भी है पानी में, बहुत सारी कलरफुल। एंड दिस इज द शेड्स। और मेरा बेटा हस्बैंड अभी कहाँ पे गया है मैं ढूंढती हूँ। They are also taking picture. They are there. I can see them now. Look at the beauty of this park. मैं आपको थोड़ा लेक के नज़दीक लेके जाती हूँ। And look at the color. लेक का पानी का कलर पूरा ब्लू एंड ट्री इज ऑल्सो ग्रीन। इतना क्लीन है, एकदम पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। इतना अच्छा वेदर भी है, विंटर का मौसम है। तो लास्ट ईयर तो हम लोग समर पे आए थे, तो समर पे तो बहुत ही गर्मी थी, लेकिन अभी तो ये 4:30 बजे शाम का टाइम पे इतना अच्छा लग रहा है। सी टोटली एक डेजर्ट है। आप बिलीव कर सकते हैं कि डेजर्ट पे ऐसा कुछ बनाया जा सकता है? इतना पानी एंड इतना ग्रीनरी, ये तो सिटी में भी देखने को नहीं मिलता है हमें, क्योंकि दुबई में तो मोस्ट ऑफ द प्लेस डेजर्ट पे ही है, डेजर्ट ही है यहाँ पे। लेकिन डेजर्ट पे इतना अच्छा एक पार्क बनाया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ग्रीनरी पे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। हमें तो मिलता नहीं है दुबई में इतना ग्रीनरी जितना इस लव लेक पे हमें मिल रहा है, थैंक्स टू दुबई गवर्नमेंट की ये डेजर्ट पे इतना अच्छा एक पार्क बनाया है। एंड इट्स टोटली फ्री, मतलब कोई एंट्री चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। आप सोच रहे हैं कि इसका एंट्री चार्ज है, इतना अच्छा पार्क है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इधर पे आके बारबेक्यू कर सकते हैं, बारबेक्यू करने का प्लेस भी है यहाँ पे, आप पिकनिक मना सकते हैं। तो ये टोटली फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो दुबई गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा पार्क हमारे लिए वो उन्होंने बनाया है। एंड ईयर बाय ईयर ये और भी इम्प्रूव हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये और एक जगह है छोटी सी प्यारी सी, यह है अंदर। मैंने अभी जस्ट फॉलो किया, नोटिस किया, मैंने बोला कि पहले ईयर से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे और भी डेकोरेशन किया है। ये एक झूला है, ये बैठने का सीट है। आई लुक एट द स्विंग, ये एक झूला है, कितना प्यारा सा झूला है, फ्लावर्स भी है। वाओ, डैडी कम हियर, टेक माय पिक्चर। Go, go, push mama, push mama. Push mama. Yeah.
डब लेक के अनदर साइड पे। ये हम एक साइड पे थे, अभी दूसरे साइड पे जा रहे हैं। ये मेरे ऊपर पड़ रहा है, मतलब मैं धूप के लिए ज़्यादा मतलब देख नहीं पा रही हूँ, इतना सनरे आंखों से जा रहा है। तो अभी हम लोग दूसरे साइड पे जा रहे हैं लव लेक का। तो दूसरे साइड पे क्या है आपको दिखाएंगे अभी। तो अभी हम जाएंगे उस, जहाँ तक को फ्लैग दिख रहा है ना यूएई का, वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। पर पता नहीं कैसे जाएंगे। लास्ट ईयर तो हमने ये वाटर क्रॉस करके ही गए थे बाई वॉकिंग। दानिश, मैं, उसके पापा, सबको ही, जो भी आए थे, वो वाटर क्रॉस करके ही हम गए थे। पर अभी पता नहीं हम कैसे जाएंगे। तो सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लव लेक। इस बार भी वॉकिंग करके ही जाना पड़ेगा पानी के ऊपर से। यहाँ से यही मज़ा है इस पार्क का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टोन डाले हुए हैं, तो हम वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे वॉक करके हम जा सकते हैं। तो यही मज़ा है इस पार्क का कि पानी के ऊपर से जाना है। सी, दे आर गोइंग। मुझे भी अपनी शूज़ उतारनी पड़ेगी। लेट्स गो, लेट्स गो। सी, मैं भी ऐसे ही जा रही हूँ, मैंने शूज उतार दिए। एंड ऐसे ही जाना पड़ता है। दानिश का शूज गिर गया पानी में थोड़ा। ऐसे ही जाना पड़ता है यहाँ से। मैं भी पानी के अंदर हूँ। एक छोर से और एक छोर जाना होता है ऐसे ही। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड फिश भी है, यहाँ पर भी फिश है। We are going, going and going. हम पहुंच गए हैं दूसरे साइड पे। बहुत सारे बत्तख ही है ना, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते, वो स्वान जैसा ही मुझे लग रहा है। तो मैं वहाँ पे ही जा रही हूँ। मुझे देखेगा तो सब पानी में भागेगा। बहुत परे है, अटैक ना कर दे। मैं जा तो रही हूँ, अभी वो लोग भागे नहीं, मुझे देखा भी नहीं है। कितने बड़े बड़े है। मैं तो दूसरे साइड से जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये भी स्टैचू की तरह खड़े हैं, मुझे देख के कोई भागा भी नहीं। ये एक झुंड पे है, मेरे ऊपर ही अटैक कर दे भाई। मैं इस साइड से दिखाती हूँ तो आप अच्छे से देख पाएंगे। मैं इनके बहुत पास खड़ी हूँ और ये मुझे देख के भाग भी नहीं रहा है। बहुत फ्रेंडली है, पर मुझे डर लग रहा है कि अटैक ना कर दे। हेलो, नहीं मैं डराऊंगी नहीं, मुझे देख के भाग गया तो या अटैक कर दिया तो।
हमें नॉर्मली दुबई में ये सब देखने को नहीं मिलता है, तो ये पार्क पे बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर आप दुबई में है तो आप यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिए, मैं बोलूँगी। मॉल तो है ही बड़े बड़े, वो तो नॉर्मल है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए अगर आप विज़िट करने भी आए हैं दुबई। तो अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो इस प्लेस पे आप ज़रूर आइए। ये बहुत ही अच्छा एक पार्क है, जो मतलब विंटर के टाइम पे तो बहुत ही प्यारा है, एंड बहुत ही सिटी से दूर है ये। ये है अलकुआद्रा में, हम रहते हैं अलकुआद्रा के पास में ही, अलकुआद्रा टाउन स्क्वायर में रहते हैं, तो हमारे घर से ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस पार्क पे तो विंटर पे अगर आप आते हैं तो ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए इस पार्क में। इट्स कॉल्ड लव लेक एट अलकुआद्रा, लव लेक एट अलकुआद्रा। अभी ये देख रहे हैं आप, अभी हम लोगों को जाना है इसके ऊपर, ये थोड़ा ऊपर है, इधर से सनसेट भी बहुत अच्छे से दिखेगा। ये यूएई का फ्लैग है, तो अभी हमें जाना है यहाँ पे, ये हमारा टारगेट है अभी। इट्स वेरी बिग, पर हाँ ज़्यादा क्राउड नहीं है तो घूमने में मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो बिल्कुल घूमने में उतना मज़ा नहीं आता है। आज तो पूरा इतना खाली खाली है, और दानिश और उसके पापा पूरा पानी पे टच कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक पापा है उसके बेटी के साथ, तो चारों मिलके बहुत मस्ती कर रहे हैं पानी पे स्टोन फेंक रहे हैं। ग्रीनरी है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ग्रीनरी तो दुबई में आपको नहीं मिलेगा देखने को, ओनली गोल्फ क्लब में, एंड ये लव लेक पे ही आपको मिलेगा। एंड बहुत सारे फैमिलीज हैं जो ऑल आर टेकिंग पिक्चर। बैठने का जगह मिला, मैं थोड़ी बैठी हूँ क्योंकि बहुत चलना पड़ता है इस पार्क पे, तो बहुत बड़ा है इसलिए। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करने वाली हूँ दोस्तों। अभी 6 o'clock हो रहा है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा,
तो आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट बॉक्स पे भी बोलिए कि आप और नया नया क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं न्यू बहुत सारी प्लेस के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी दुबई में। तो अभी मैं तो आज का ब्लॉग यहीं पे फिनिश कर रही हूँ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए एंड कीप स्माइल ऑलवेज दोस्तों। अ वेरी गुड बाय बाय।